हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा मिनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम दाल ढोकली बनाएंगे, वो भी राजस्थानी स्टाइल में। ये राजस्थान और गुजरात की फेमस डिश है। इसको लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए प्रेफर करते हैं एंड इट्स रियली वेरी टेस्टी। आप इसको एंड तक देखिए क्योंकि इसमें और भी लास्ट में कुछ इंग्रीडियंट्स हम ऐड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने एक बोल लिया है, उसमें मैं मूंग दाल डालूंगी आधा कप, तुअर दाल 1/4 कप, उड़द दाल 1/4 कप, चना दाल 1/4 कप, लोबिया या फिर इसको चौली भी कहते हैं 1/4 कप, और इसको हम एकदम अच्छे से वॉश करेंगे 2-3 बार। इसमें मैं 1 ग्लास जितना पानी ऐड करूंगी और इसको 15 मिनट के लिए हम साइड में रख लेंगे। अब बड़े बर्तन में मैं 2 कप जितना गेहूं का आटा लूंगी 4 मेंबर्स के लिए। इसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर 1/4 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, धनिया पाउडर आधा टेबल स्पून, जीरा 1/4 टेबल स्पून, बारीक कटी हरी मिर्च 1, घी आधा टेबल स्पून, अजवाइन आधा टेबल स्पून डालेंगे और इसको पानी की सहायता से एकदम अच्छे से बांध लेंगे। इसको ज़्यादा हार्ड नहीं बांधना है या ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बांधना है। इसको 5 मिनट के लिए हम साइड में रख लेंगे। अब एक कुकर में 4 ग्लास जितना हम पानी बॉइल करेंगे एकदम अच्छे से। ये हमने आटे की अब छोटी छोटी गोलियाँ बना देंगे और उसको बीच में से प्रेस कर लेंगे, देखिए। और उसके ऊपर हम थोड़ा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरी गोलियां देखो हमने बना दी है। पानी गर्म हो चुका है, उसमें सूख दाल डालेंगे, नमक, हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, मेथी के दाने 1/4 टेबल स्पून, और ये जो ढोकली बनाई है उसको हम इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। 15 से 20 मिनट तक इसको गर्म करना है मीडियम फ्लेम पर, और जब तक कि ये ढोकली है वो ऊपर नहीं आ जाती, एकदम अच्छे से मिक्स नहीं हो जाती है। इसको फ्राई करने के लिए 1 टेबल स्पून जितना घी लेंगे हम एक पैन में गर्म होने पर, राई 1/4 टेबल स्पून, जीरा आधा टेबल स्पून, यहाँ पर मैंने 3 लहसुन की कलियाँ ली है वो डालेंगे, धनिया पाउडर आधा टेबल स्पून और लाल मिर्ची पाउडर आधा टेबल स्पून डालकर एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको दाल ढोकली में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर हम लोग चलाएंगे। और धनिया पत्ता लेंगे 1/4 कप जितना, इसको अच्छे से धोकर डालना है हमें। तैयार हो चुकी है हमारी ढोकली। इसको बंद कर देंगे गैस को और गरम गरम सर्व करेंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसके ऊपर हम एकदम बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, आधा नींबू मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और घी 1 टेबल स्पून जितना, और अगर आप चाहो तो कम भी डाल सकते हो, ज़्यादा भी डाल सकते हो। सो देखिए हमारी डिलीशियस रेसिपी तैयार है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक माई रेसिपी, कमेंट्स ऑल्सो कि कैसी लगी है। थैंक यू।